करण रोकेगा अर्जुन को गलती करने से? क्या होलोग्राम का होगा फिल्म में इस्तेमाल? फिल्म में हमारी सोसाइटी का आईना होती है और वक्त के साथ आईने के भी डिजाइन बदल जाते हैं। जोक्स अपार्ट, वक्त के साथ हम सभी अपग्रेड होते हैं और जब हमारी सोसाइटी बदल रही है तो हम क्यों ना बदले और वक्त के साथ फिल्मों की कहानियों को भी अपग्रेड करें और उनमें इमोशनल क्वोशेंट के साथ साथ आज की टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे। हमें ऐसा ही नयापन मिलेगा फिल्म करण अर्जुन 2 में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये फिल्म लंबे टाइम के बाद अपना सीक्वल ला रही है और वहीं अगर हम बात करें फिल्म के पहले पार्ट की कहानी को लेकर तो उसमें हमने देखा था पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट, लेकिन फिल्म के सीक्वल की अगर हम बात करें तो वक्त के इस दौर को कंसिडर करते हुए फिल्म में न्यू कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए मेकर्स इस बार हमें फ्यूचर के कुछ ऐसे गैजेट्स का आविष्कार दिखाएंगे जिससे फिल्म की कहानी हो जाएगी इंटरेस्टिंग। करण अर्जुन 2 में हम विलन को नहीं देखेंगे। फिल्म के सीक्वल में हमें दिखाया जाएगा कि करण अपने भाई अर्जुन को उसके द्वारा की गई उसकी गलतियां सुधारने के लिए मदद करेगा। फिल्म की कहानी होगी कुछ ऐसी जहां हमें दिखाया जाएगा कि करण टेक्नोलॉजी के साथ खेलने में जीनियस है और दिन रात बस अपने होलोग्राम बनाने के सपने को पूरा करने में लगा रहता है। होलोग्राम टेक्निक में एक ऑब्जेक्ट हमें 3 डायमेंशंस में नजर आता है। अर्जुन अपने भाई को पूरा सपोर्ट करता है और अपनी माँ और पूरे घर का खर्चा उठाता है। टेक्नोलॉजी का यूज कहाँ करना है और अर्जुन के पैसे कैसे बचाने हैं, ये काम करण को बखूबी आता था। वही अर्जुन का स्वभाव काफी भोला था और वो लोगों के झूठी बातों में फंसने और गलती करने से रोकने का काम करण करते थे उनके लिए, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। जहाँ अर्जुन काम करता है वहाँ कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका असली मकसद होता है देश को बर्बाद करने का, और जैसे ही ये बात अर्जुन को पता चलती है वो उनके खिलाफ आवाज उठाता है, लेकिन उसे बदले में एक सेल में डाल दिया जाता है जहाँ से वो किसी के पास पहुँच भी नहीं सकता है। और बस तभी उसे याद आता है करण का दिया हुआ वो गैजेट होलोग्राम जिसे करण ने सबसे पहले बनाने के बाद अर्जुन को गिफ्ट किया था और कहा था जहाँ मैं पहुँच नहीं पाऊँगा वहाँ तेरी मदद के लिए ये गैजेट यानी कि होलोग्राम पहुँच जाएगा। और बस तभी करण का होलोग्राम इमेज पहुँच जाता है अर्जुन को बचाने। टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है जहाँ करण अपने भाई अर्जुन की याददाश्त वापस लाने के लिए और उसे बचाने के लिए होलोग्राम की मदद लेता है। होलोग्राम दोस्तों एक ऐसी विजुअल रिप्रेजेंटेशन देती है सामने वाले इंसान को जिससे मानो ये लगता है कि वो इंसान सच में वहाँ है, पर वो सिर्फ विजुअली हमारे सामने होता है। इस टेक्नोलॉजी को फिल्म में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा जिसके बाद इसके यूजेस और मिसयूजेस भी दिखाए जाएंगे। फिल्म में जहां माँ के किरदार को भी दिखाया जाएगा वहीं इस बार माँ का अवतार भी बदलेगा वक्त के साथ, वो भी इस हालात में अपने बेटों का साथ देगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है क्या होगी फिल्म की कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएं।